देखते हैं। देखें फीमेल रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्शन अपन पढ़ चुके हैं फ्लावरिंग प्लांट में, अब क्या पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यूनिट की बात करें, जो अंग है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन है, गायनोशियम या इसको क्या कहा जाता है जायांग। एक इससे मिलके बना होता है कार्पल या पिस्टल से। कार्पल या पिस्टल कहां लगा होता है, थैलेमस से। किससे जुड़ा होता है, थैलेमस से। यदि अपन बात करें कार्पल या पिस्टल के तो कितने पार्ट होते हैं, तीन। कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर गद्देनुमा संरचना क्या कहलाती है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पर क्या लगे होते हैं, बीजांड। क्या लगे रहते हैं, बीजांड या ओव्यूल्स। यदि अपन ओव्यूल्स की संरचना देखेंगे तो ओव्यूल्स किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है, बीजांड ग्रंथि या फ्यूनिकुलस। किसके द्वारा, फ्यूनिकुलस या फिर बीजांड ग्रंथि। बीजांड ग्रंथि का वह भाग जो किससे जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, उसे क्या कहा जाता है, फ्यूनिकल से। जबकि बीजांड का वह भाग जो किससे जुड़ा होता है, ओव्यूल से, क्या कहलाता है, हाइलम। यदि अपन बात करें बीजांड की तो बीजांड चारों ओर से किस आवरण से घिरा हुआ होता है, इंटेगुमेंट से। इंटेगुमेंट चारों ओर से आवरण से जहां पर नहीं पाया जाता उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइल एंड या बीजांड द्वारी सिरा। ये ऑक्सीजन को और वायु को या जल को अंदर प्रवेश कराता है या काम में आता है। इसके बाद की बात करें अपन, बीजांड का आधारीय भाग क्या कहलाता है, चलेजा एंड। आधारीय भाग क्या कहलाता है, चलेजा एंड। इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूसिलस। क्या होता है, न्यूसिलस। न्यूसिलस की कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं, एम्ब्रियो सैक का निर्माण करती हैं। यदि अपन एम्ब्रियो सैक की बात करें तो एम्ब्रियो सैक कैसी संरचना है, सात कोशिका आठ केंद्रक युक्त। कैसी है, सात कोशिका आठ केंद्रक युक्त। तीन कोशिकाएं ये दिख रही है, तीन ए और एक अपनी बड़ी कोशिका, क्या होगी, सात। केंद्रकों की बात करें तो कितने केंद्रक दिख रहे हैं, आठ, तीन छह सात आठ। ऊपर के जो माइक्रोपाइल एंड की ओर होता है उसे क्या कहा जाता है, एग एपरेटस। बीच की बड़ी कोशिका क्या कहलाती है, एग सेल। और दोनों की पार्श्व कोशिकाएं क्या कहलाती है, सिनर्जिड कोशिकाएं। इसमें अम्ली के समान संरचनाएं होती है जिन्हें क्या कहा जाता है, फिलीपोम एपरेटस। इसका काम होता है पराग नलिका का दिशा निर्देश कराना। इसके बाद आते हैं एंटीपोडल सेल्स। तो एंटीपोडल सेल कहां पाई जाती हैं, चलेजा एंड की। और ये बाद में सब कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। केंद्र में क्या पाई जाती हैं, बाइपोलर कोशिकाएं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, गायनोशियम में। देखें अब बात करते हैं अपन किसकी, ओवरी की या फिर पिस्टल या कार्पल। अब वो पिस्टल और कार्पल एक पुष्प में क्या एक भी हो सकते हैं या अनेक भी हो सकते हैं। ठीक है, एक अकेला होगा या फिर कैसे होंगे, अनेक। अब अनेक होंगे तो एक साथ जुड़े भी हो सकते हैं और नहीं भी जुड़े हो सकते हैं। यदि मान लीजिए दोनों जो ओव्यूल्स हैं एक दूसरे से कैसे हैं जुड़, सॉरी जो अंडाशय हैं ये जुड़े हुए हैं तो इनको क्या कहा जाता है, सिनकार्पस। क्या कहा जाता है, सिनकार्पस। और यदि अलग अलग हैं तो क्या कहा जाता है, एपोकार्पस। क्या कहा जाएगा, सिनकार्पस या फिर एपोकार्पस। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, यदि मान लीजिए जो पिस्टल या कार्पल है, यदि पिस्टल और कार्पल कैसे हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। यदि एक साथ कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, कौन, पिस्टल या फिर कार्पल। पिस्टल या कार्पल, इस स्थिति को क्या कहा जाता है, सिनकार्पस। क्या कहा जाता है, सिनकार्पस। जुड़े हुए कौन है, आपको याद रखना है सी आर पी एम टी। क्या याद रखोगे, सी आर मतलब चाइना रोज। क्या है, चाइना रोज है। पी मतलब होता है कैपिवर, एम मतलब मटर, टी मतलब टमाटर है। ठीक है, इसके बाद यदि मान लीजिए जो कार्पल या पिस्टल है कैसे हैं, अलग अलग हैं। यदि मान लीजिए अलग अलग, यदि अलग अलग कार्पल हैं एक साथ नहीं जुड़े हैं, कौन, पिस्टल या कार्पल। यदि नहीं जुड़े हैं तो इसको क्या कहा जाता है, एपोकार्पस। क्या कहा जाता है, एपोकार्पस। एपोकार्पस में एग्जांपल याद रखना है एम जी के। क्या रखोगे, एम जी के, माइसेलिया, गुलाब और कमल। आप लिख सकते हैं एम मतलब माइसेलिया, जी मतलब गुलाब और के मतलब क्या होता है, कमल। के मतलब क्या होता है, कमल, माइसेलिया।
यहाँ पर ध्यान रखना है सीआर मतलब होता है चाइना रोज, सीआर मतलब क्या होता है चाइना रोज, चाइना रोज का मतलब होता है गुड़हल, क्या होता है गुड़हल। पी मतलब पेपेवर, एम मतलब मटर, टी मतलब टमाटर, टमाटर मटर और पेपेवर, पेपेवर सामने फिर अफीम, ठीक। सोच पाएंगे? इसके बाद अपन चर्चा करते हैं किसकी, बीजांड की। तो बीजांड की संरचना देख ही चुके हैं, बीजांड या ओव्यूल्स कहां जुड़े होते हैं प्लेसेंटा पर, कहां जुड़े होते हैं प्लेसेंटा पर, किसके द्वारा जुड़े होते हैं, क्या होता है, सब बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे किसकी चर्चा करेंगे, जो बीजांड है बीजांड के प्रकार होते हैं किसके आधार पर, इंटेगुमेंट जो आवरण है आवरण के आधार पर बीजांड की पहले संरचना देखें, लिख लिया, लिखें तो